नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉक शो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हुंडई ओरा और हुंडा अमेज के बारे में, और आपको बताएंगे चार ऐसी बड़ी बातें जिनकी वजह से आपको हुंडई ओरा की बजाय हुंडा अमेज को प्रेफर करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तीन काम आपको करने हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों का। तो होंडा अमेज की अगर हम बात करें, होंडा अमेज इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग सेडान है, और वहीं अगर हम बात करें हुंडई ओरा की, तो हुंडई ओरा भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है। और दोनों ही गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस की बात करें, तो होंडा अमेज में हमें मिल जाता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन, और वहीं अगर हम बात करें हुंडई ओरा की, तो हुंडई ओरा में हमें मिल जाता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन और 1.2 लीटर का डीजल इंजन। तो चलिए बात कर लेते हैं उन चार बड़ी बातों के बारे में जो कि अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए हुंडई ओरा की बजाय हुंडा अमेज जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि है डायमेंशंस। तो यहाँ अगर हम बात करें हाइट की, तो हुंडई ओरा की जो हाइट है वो 1520 mm है, और वहीं अगर बात करें हुंडा अमेज की, तो हुंडा अमेज की जो हाइट है वो 1501 mm है, और वहीं अगर हम बात करें विड्थ की, तो हुंडई ओरा की जो विड्थ है वो 15 mm कम है हुंडा अमेज से, और वहीं अगर हम बात करें व्हील बेस की, तो व्हील बेस जो है वो 20 mm कम है हुंडई ओरा का हुंडा अमेज से, और वहीं अगर हम बात करें बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस में भी हुंडई ओरा जो है वो थोड़ी कम है। तो यहाँ अगर हम बात करें डायमेंशंस में विनर की, तो हुंडा अमेज जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है हुंडई ओरा से, क्योंकि हुंडा अमेज की जो हाइट है वो 19 mm कम है हुंडई ओरा से, क्योंकि टेक्निकली एक सिडान की हाइट जितनी कम होती है वो उतनी ज़्यादा बेटर होती है। एरोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर हम कहें तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, गाड़ी ज़्यादा स्टेबल और स्मूथ चलती है, और वहीं अगर हम बात करें लुक्स की, तो एक सिडान की हाइट जो है जितनी कम होती है उतनी ज़्यादा वो देखने में अच्छी लगती है और बेटर प्रोपोर्शनेट लगती है। वहीं अगर हम बात करें विड्थ की, तो होंडा अमेज में हमें विड्थ जो है 15 mm ज़्यादा मिल जाती है, जिसकी वजह से पीछे तीन लोग थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल बैठ सकते हैं एज कम्पेयर टू हुंडई ओरा। और वहीं अगर हम बात करें व्हील बेस की, तो व्हील बेस भी जो है हमें होंडा अमेज में 20 mm ज़्यादा मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें नी स्पेस जो है वो थोड़ा बेटर मिलेगा होंडा अमेज में एज कम्पेयर टू हुंडई ओरा। बूट स्पेस की अगर हम बात करें, तो बूट स्पेस भी हमें होंडा अमेज में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मिल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं डिज़ाइन की। तो दोस्तों, वैसे तो डिज़ाइन जो है वो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें होंडा अमेज की, तो होंडा अमेज का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद है। इसका डिज़ाइन जो है वो एक बड़ा कारण है इसकी इतनी ज़्यादा सेल्स का, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग सिडान बन चुकी है। बात करें इसकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की, तो ये गाड़ी जो है एक कंप्लीट सिडान लगती है देखने में। आप ये नहीं कह सकते कि ये गाड़ी जो है एक हैचबैक के साथ बूट एडिड लगता है देखने में, ये गाड़ी को देखने में ऐसा नहीं लगता है कि ये गाड़ी जो है एक सब 4 मीटर सिडान है, ये गाड़ी एक कंप्लीट प्रॉपर सिडान देखने में लगती है। वहीं अगर हम बात करें हुंडई ओरा की, तो हुंडई ओरा का जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो लगभग सिमिलर है हुंडई एक्सेंट जैसा, सेम हमें हाइट देखने को मिलती है, सेम हमें विड्थ देखने को मिलती है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो सेम सा देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें फ्रंट पार्ट की, तो फ्रंट पार्ट जो है वो बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलता है हमें i10 Nios जैसा। फ्रंट से आप देख के ये नहीं कह सकते कि ये गाड़ी जो है हुंडई ओरा है या फिर i10 Nios। और ओवरऑल अगर हम बात करें, तो ये गाड़ी जो है देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि i10 Nios के साथ ही बूट एडिट देखने को मिल रहा हो। वहीं अगर हम बात करें यूज़र फीडबैक की, तो ज़्यादातर लोगों का अभी भी यही मानना है कि होंडा अमेज जो है वो देखने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू हुंडई ओरा। बाकी आपकी क्या राय है इन दोनों गाड़ियों के डिज़ाइन को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको होंडा अमेज का डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगा या फिर हुंडई ओरा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गाड़ी देखने में ज़्यादा अच्छी है वो ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, और आपके कमेंट करने से उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी जो लोग इन दोनों गाड़ियों के डिज़ाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं सेफ्टी की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि होंडा अमेज को 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है क्रैश टेस्ट रिपोर्ट्स में, और ये रेटिंग जो है इसको 2 एयरबैग्स के साथ मिलती है, और ऐसे में होंडा अमेज जो है वो इंडिया की सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट सिडान है। और वहीं अगर हम बात करें हुंडई ओरा की, तो हुंडई ओरा का अभी क्रैश टेस्ट होना बाकी है, ऐसे में हुंडई ओरा की सेफ्टी को लेकर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 3-4 साल के हुंडई के रिकॉर्ड की, तो हुंडई की कोई भी ऐसी कॉम्पैक्ट सिडान या फिर हैचबैक नहीं है इस प्राइस रेंज में जिसको 3 स्टार से ज्यादा सेफ्टी रेटिंग में मिला हो। हालांकि हुंडई की मिनी एसयूवी वेन्यू को 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, लेकिन ये टेस्ट जो है 6 एयरबैग्स वाले वेरिएंट के साथ किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ और बात करते हैं रीसेल की। तो यहाँ अगर हम बात करें हुंडा अमेज की, तो हुंडा अमेज जो है ऑलरेडी हुंडा को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुकी है। हुंडा अमेज जो है वो हुंडा की नंबर 1 सेलिंग कार है, और वहीं अगर हम बात करें डे बाय डे हर महीने इस गाड़ी की जो सेल्स है वो बढ़ती जा रही है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस गाड़ी की जो डिमांड है, रीसेल वैल्यू है, वो ज़्यादा बढ़ने वाली है।
और वहीं अगर हम बात करें हुंडई की, तो अभी तक लोगों ने हुंडई की कॉम्पैक्ट सेडान्स को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया है। बात करें अगर हम ओरा की, तो ओरा अभी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुई है, ऐसे में ये देखना बाकी है कि ये लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाती है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये थी चार ऐसी बड़ी बातें जिनकी वजह से आपको हुंडई ओरा की बजाय हुंडा अमेज को प्रेफर करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।